हे गाइस, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि प्रज्ञेश थाम्बर जो अभी सूरत पुलिस के द्वारा पकड़ा गए हैं 1.5 करोड़ की ड्रग डील में, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से। ड्रग डील का नहीं, लेकिन उस बंदे का। ड्रग डील का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, वो अलग चीज़ है। किसी को नहीं पता था कि वो ऐसे काम करता है या इतना बेकार आदमी है, बट उस बंदे का कनेक्शन है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से। ऐसा क्यों, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा एंड फिर हम लास्ट में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन देखेंगे गोल्डी भाई स्काउट का इस बात पर। साथ ही गाइस, अगर आपने स्काउट, मांबा, गोल्डी भाई इन सब की स्ट्रीम देखी होगी तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी सुपरचैट, बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप इन स्ट्रीम की प्रज्ञेश थाम्बर लिया करता था। अब साथ ही एक और था कि स्काउट ज़्यादातर टाइम प्रज्ञेश थाम्बर से यूसी परचेस करता था, और उनकी एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि बस आ ही रहा है, 2 मिनट में आ रहा है यूसी, बस भाई वेट करो, बस आते ही होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए थे। साथ ही एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था टेनेंट ई स्पोर्ट्स का, तो उसमें 2.5 लाख की स्पॉन्सरशिप इस अकेले बंदे ने दी थी। हाँ, सुन के बड़ा अजीब लगता है कि भाई इतना बड़ा पैसा, इतना सारा पैसा आया कहाँ से इस बंदे के पास। तो कोई भाई अब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में किसी का बैकग्राउंड तो चेक करता नहीं ना, आधार कार्ड वेरिफिकेशन ऐसा तो होता नहीं। तो उस समय किसी को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा ड्रग डीलर है या इतना कलंक रहेगा इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए। अब मैं आपको प्रज्ञेश थाम्बर का इंस्टाग्राम हैंडल दिखाता हूँ। एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा ई स्पोर्ट्स प्लेयर, कंटेंट क्रिएटर, स्पॉन्सर्स सबको ही फॉलो करता था, लेकिन इस कांड के बाद सब ने अनफॉलो कर दिया। लेकिन भाई डिटेक्टिव माइंड ने मैंने सोचा कि भाई थोड़ा रिसर्च की जाए, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके लेटेस्ट फोटो पे बहुत से स्ट्रीमर्स और प्लेयर्स ने लाइक करके रखा है। जो जो बड़े नाम है ऊपर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जायरो गॉड, ब्लास्ट, साइरस गेमर, मांबा, स्काउट, ओएस, पायल गेमिंग, बहुत सारे लोग थे गाइस अगर इसके सारे देखा जाए फोटो तो, लाइक्स आप देखोगे तो। तो दोस्तों इनकी भी कोई गलती नहीं है, अगर आपको पता हो सामने वाला बेकार है तो आप नहीं करोगे दोस्ती, लेकिन सामने वाला अपनी आइडेंटिटी ही ना बताए तो आप क्या कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि स्काउट और गोल्डी भाई ने इस पर क्या रिएक्ट किया, किस तरह इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। तो हर कोई को यार सोच के बुरा लगा, मतलब इतना अच्छा स्पॉन्सरशिप थी, अच्छा दोस्त होता था भाई, एकदम से पता चले कि भाई ऐसा है वो, उसका बैकग्राउंड पता चले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई। तो वो भी आप स्टोरी देख सकते हैं लाइव किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया। दोस्तों अभी मैंने देखा कि स्काउट के लेटेस्ट फोटो पे हर कोई कमेंट कर रहा है कि भाई प्रज्ञेश थाम्बर को तुम जानते थे, तुम्हारा कोई कनेक्शन तो नहीं है उसके साथ। तो भाई अगर किसी सामने वाले तुम्हारे दोस्त का बैकग्राउंड बेकार है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी उसमें बुरे हो गए। हाँ भाई, नहीं पता सामने वाले को यार कि वो बुरा है या कुछ है, तो क्या कर सकते हैं। अब जैसे ही पता चला तो भाई लोग बाबों ने रिएक्ट करा ना उस पर, बोला ना भाई कि नहीं, अच्छा इंसान, मत करो, अनफॉलो करो, दूर रहो उस इंसान से, और क्या ही करें अब। तो दोस्तों अब आपको पूरी बात पता चल गई है, तो आप अब कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपका क्या रिएक्शन है, कैसा क्या है, अगर आपको पहले से ही शक था क्या नहीं था तो वो भी आप सब बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।